हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस बुंदेसलीगा के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा एफसी हाइडेनहाइम वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड आप जानते होंगे बुंदेसलीगा के वन ऑफ द बेस्ट क्लब में एक क्लब काउंट होता है। फिलहाल अभी ये टॉप फोर में एक तरीके से आउटसाइड चांस कहीं कहीं है इनका भी टाइटल रेस में बने रहने का। आप देखेंगे फिलहाल फोर्थ में है, 19 मैचेस में इनके 36 पॉइंट है, 40 इन्होंने गोल स्कोर किया और 26 गोल कंसीड किए हैं। वहीं जो डॉर्टमुंड की रिसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनके जो अपोनेंट है वो है एफसी हाइडेनहाइम, ये एक न्यूली प्रमोटेड टीम है एशियन और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया है। जनरली क्या होता है, जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स होती है वो अगले सीजन जब मेन टीयर में फर्स्ट ईयर में आती है तो स्ट्रगल करती है, लेकिन हाइडेनहाइम के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिलहाल वो 10th स्पॉट में मिड टेबल में, 19 मैचेस में उनके 23 पॉइंट हैं, 28 उन्होंने गोल स्कोर किया और 35 गोल कंसीड किए हैं। तो दो इनफॉर्म टीम्स के बीच ये मैच होने वाला है। एक बार मैं आपको दोनों का प्रीवियस रिजल्ट दिखाऊं तो डॉर्टमुंड ने अपने लास्ट प्रीमियर लीग मैच में 3-1 से बोकम को हराया, फुलक्रुक की इस मैच में हैट्रिक आई थी और साबिटजर का एक असिस्ट था। वहीं हाइडेनहाइम ने अपना लास्ट बुंदेसलीगा मैच एक 1-1 का ड्रॉ खेला हॉफेनहाइम से, जो एक गोल आया डिंची ने मारा और स्नॉपर का असिस्ट आया था। फिलहाल इस वाले मैच की बात की जाए, मैच हाइडेनहाइम के घर में है और हाइडेनहाइम की रीसेंट फॉर्म भी अच्छी है, खासतौर पे होम परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट अभी भी अगर आप ओवरऑल क्वालिटी देखेंगे तो डॉर्टमुंड की बेटर है, तो अभी के लिए मैं बैक डॉर्टमुंड को ही करूँगा। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ होता है, हाइडेनहाइम डॉर्टमुंड को अपने घर में हरा देती है, तो भी कोई ऐसा सरप्राइज नहीं होने वाला। लेकिन अभी के लिए स्मॉल लीग में मैं डॉर्टमुंड को ही बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाला हूँ। अब गाइस, सबसे मेन चीज़, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम अपडेट्स वगैरह होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले बात करते हैं फेवरेट्स डॉर्टमुंड की। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए एक फेवरेट टीम है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर डॉर्टमुंड के पिक करने वाला हूँ। तो इनकी प्रोबेबल लाइन पे नज़र डालते हैं। अलेक्जेंडर मायर होने वाले इनके गोलकीपर, 4 इनके डिफेंडर होंगे थॉमस मुनियर, हमल्स, श्लॉटरबैक और इयान मार्टसन। फिलहाल इस मैच में वैसे मुझे नहीं लग रहा किसी की क्लीन शीट आएगी, बट फेवरेट डॉर्टमुंड है और मैं मैक्सिमम डिफेंडर डॉर्टमुंड के पिक कर रहा हूँ, बिकॉज अगर क्लीन शीट नहीं भी आते, इनके डिफेंडर ऐसे हैं बिना क्लीन शीट के भी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। तो अभी के लिए मेरी टीम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बना था, मैं चारों ही डॉर्टमुंड के डिफेंडर लेके गया हूँ। लेकिन अगर आप 4 नहीं ले आ रहे, एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर या अटैकर ले आ रहे, तब भी आप 3 डॉर्टमुंड के डिफेंडर लेना। बट फिलहाल मैंने 4 पिक किया, अगर आपको कोई 3 लेने हैं तो मैं मार्टसन और मुनियर दोनों को शोली पिक करूंगा। मार्टसन आप जानते हैं चेल्सी के प्लेयर थे, अभी यहाँ पे लोन में है डॉर्टमुंड में इसी ट्रांसफर विंडो में, और अटैकिंग वाइज भी अच्छे हैं, डिफेंसिव भी करते हैं, और मुनियर भी सेम अटैकिंग डिफेंसिव अच्छे हैं। थर्ड डिफेंडर फिलहाल के लिए मेरे हमल्स रहेंगे, बिकॉज ये हेडर में बहुत गोल मारते हैं। तो मे बी आप उस केस में 3 ही अगर आपको डिफेंडर लेने तो आप श्लॉटरबैक ड्रॉप कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं डॉर्टमुंड के चारों डिफेंडर लेके गया हूँ। ओत्सान खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं साबिटजर को पिक कर रहा हूँ। साबिटजर एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी मिडफील्ड से गोल असिस्ट कर सकते हैं और बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। रिसेंटली तो पिछले 2-3 मैचेस से मैं देख रहा हूँ सारे कॉर्नर्स फ्री किक वगैरह भी ले रहे हैं, तो साबिटजर आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं शोली इनको पिक करूँगा। बाकी मैं मालेन को पिक करूँगा, मालेन रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी गोल असिस्ट कर रहे हैं, पेसी है, ट्रिकी है, स्किलफुल है, तो मैं मालेन को पिक कर रहा हूँ। और मैं फॉरवर्ड में फुलक्रुक को भी पिक कर रहा हूँ, जो टेलिस्मैन एशियन डॉर्टमुंड के टॉप स्कोरर हैं, पिछले मैच में हैट्रिक मारी है, पेनल्टीज भी ले रहे हैं, और जिस तरह की फॉर्म में फुलक्रुक, क्लियर कट कैप्टनसी ऑप्शन भी होने वाले हैं। अब बाइनो गिटन्स ने कुछ खास किया नहीं है, ऑल्दो पेसी स्किलफुल जरूर है, लेकिन बिना गोल असिस्ट के शायद बहुत ज़्यादा पॉइंट ना दे और जल्दी सब भी हो जाते, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मोको को एक शोल्ले ऑप्शन हो सकते हैं, पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म अच्छी है, अगर आपको लेना है फिर आप पीछे से 3 ही डिफेंडर ले आइए, आप श्लॉटर बैक हटा के फॉरवर्ड में मोको को ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या, अभी मैं 2 अटैकिंग प्लेयर ऑल ले रहा था फॉरवर्ड में, हाइडेनहाइम से भी और एक फुलक्रुक है ही, इस वजह से मैं अभी के लिए मोकोको को एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप हाइडेनहाइम से एक ही अटैकिंग प्लेयर ले रहे हैं और आप श्योर है मोकोको स्कोर करेगा, तो आप श्लॉटर बैक हटा के फॉरवर्ड में मोकोको के साथ जा सकते हैं। एक और चीज़, अगर जेडन सैंचो फिट हुए बाइनो गिटन्स के प्लेस में खेले, फिर मैं उनको गारंटीड पिक करूंगा, बिकॉज वो भी न्यू साइनिंग है डॉर्टमुंड के और रिसेंटली जितने भी मैचेस खेले वो काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। तो ये बोरुसिया डॉर्टमुंड की 11 थी। अभी मैंने टोटल 7 प्लेयर यहाँ से लिए, मैं चारों डिफेंडर ले गया, मुनियर, हमल्स, श्लॉटरबैक और मार्टसन। इसके अलावा मैं ओत्सान, डोनियन मालेन और फुलक्रुक को पिक करके गया हूँ।
पेनल्टी टेकर फुलक्रुक है, बैकअप में एमरी चैन लेते हैं अगर वो स्टार्ट करेंगे। बाकी ये डॉटमन के अभी तक के सीएन के स्टैट हैं, आप ये स्टैट देख सकते हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का ओपोनेंट है हाइडनहाइम की। तो हाइडनहाइम की प्रोबेबल 11 पर नजर डालते हैं। मुलर होने वाले इनके गोलकीपर, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अटैक डॉटमन कर सकती है तो मैं गोलकीपर मुलर ही ले रहा हूं। चार इनके डिफेंडर हैं, ट्रियोरे, मायनका, साइरस लेबन और फॉरन बैक। फिलहाल इनके डिफेंस में भी दो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, वो हैं इनका राइट बैक ट्रियोरे और सेंटर बैक मायनका। इन दोनों के डिफेंसिव नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ट्रियोरे तो अटैकिंग रिटर्न भी दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई डिफेंडर लेना ही है आप मायनका या ट्रियोरे में किसी एक डिफेंडर के साथ जा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं हाइडनहाइम का कोई भी डिफेंडर नहीं ले गया बिकॉज फेवरेट मेरे अकॉर्डिंग डॉटमंड है। मलोनी और श्लॉपनर भी खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में। मैं फिलहाल इन दोनों को भी इग्नोर करो, दोनों के कोई खास नंबर्स नहीं है। अगर आपको कोई एक लेना है तो आप मलोनी के साथ जा सकते हैं, इनके डिफेंसिव नंबर थोड़े से बेटर है श्लॉपनर के कंपैरिजन में, लेकिन अभी मैं इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ। अभी मैं डिंची और बेस्ट है इन दोनों को पिक कर रहा हूँ। ये दोनों मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर है हाइडनहाइम के और दोनों ही रेड हॉट फॉर्म में भी चल रहे हैं। बेस्ट है के 5 गोल 7 असिस्ट हैं और डिंची जो है उनके 7 गोल हैं। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, गोल असिस्ट भी कर सकते हैं और दोनों ऐसे प्लेयर हैं बिना गोल असिस्ट के भी अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। तो मैं बेस्ट और डिंची दोनों को लेके गया हूँ। बैक ओके ओके मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इनसे बेटर ऑप्शन मिले थे। अभी के लिए मैं इनका जो मेन नंबर है क्लाइंडेश, इनको भी पिक करके चल रहा हूँ बिकॉज ये पेनल्टी टेकर भी है और मेन नंबर 9 है। और डॉटमंड भी रिसेंटली ऑल्दो जीत रही है लेकिन गोल वगैरह कंसीड कर दे रही है, तो इस वजह से मैं क्लाइंडेश को ले गया हूँ। लेकिन क्लाइंडेश का ऐसा है कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है गोल असिस्ट नहीं करेंगे तो आप सिंपली इनको अटक या तो मिडफील्ड में मलोनी ले सकते हैं या आप ट्रियोरे या मायनका में किसी एक डिफेंडर के साथ जा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं क्लाइंडेश को भी लेके गया हूँ। तो ये हाइडनहाइम की 11 थी। अभी मैंने टोटल 4 प्लेयर लिया, मैं गोलकीपर मुलर ले गया इनका, इसके अलावा मैं डिंची, बेस्टे और क्लाइंडेश को पिक करके गया हूँ। पेनल्टी इनकी क्लाइंडेश ही लेते हैं, बैकअप में बेस्ट हैं। बाकी ये अभी तक के सीएन के हाइडनहाइम के स्टेट है बुंदस लीगा के। फिलहाल अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन में। तो मैं एक नैरो 2-1 डॉटमंड विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम है। गोलकीपर मैंने मुलर लिया हाइडनहाइम के, मैंने चारों डॉटमंड के डिफेंडर ले लिए, मार्टसन है, मुनियर है, इसके अलावा हमल्स और श्लॉटरबैग है। मिडफील्ड में मैंने मालेन और साविट्जर लिया डॉटमंड से और वहां से मैंने बेस्टे लिया। फॉरवर्ड में मैंने वहां से लिया डिंची और क्लाइंडेश और डॉटमंड से मैंने पिक किया है फुलक्रुक को। अब अगर आपको मुकोको एडजस्ट करना है तो उस केस में आपको लग रहा है क्लाइंडेश फ्लॉप होगा तो आप क्लाइंडेश हटा के या तो इनका एक डिफेंडर ले लीजिए ट्रियोरे मायनका में कोई है या मिडफील्ड में मालोनी ले लीजिए। उस केस में आप श्लॉटरबैक हटा के फॉरवर्ड में मुकोको को पिक करके चल सकते हैं। अगर सेंचो खेलते हैं फिर मैं मोस्ट प्रॉब्ली सेंचो के साथ भी जाऊंगा। फिलहाल सीवीसी किसे करें, अभी के लिए मैं फुलक्रुक जो रेड हॉट फॉर्म में उनको कैप्टनसी दे रहा हूं और वाइस कैप्टनसी मुलर को दे रहा हूं। अगर आपको लग रहा है क्लोज मैच होगा, सॉरी मैं मालेन को वाइस कैप्टनसी दे रहा हूं मुलर को नहीं, अगर आपको लग रहा है क्लोज मैच होगा तो मे बी आप बेस्टे या डिंची में भी किसी एक को अपना वीसी कर सकते हैं। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।